बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइकोलॉजी 406 के लेसन नंबर 11, लर्नर डिफरेंसेस 2, इश्यूज स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन के साथ मैं हूं राना अरसलान अली। आप देख रहे हैं आइडिया क्लब। हम इस चैप्टर में बड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने लगे हैं। बच्चों की जो इनएबिलिटीज़ होती है, जो कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत अबनॉर्मली बिहेव करते हैं, कुछ लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना है, और स्टूडेंट किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं, टीचर किस तरह से स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड है, जिनको हम लर्निंग डिसबिलिटीज़ कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी एबिलिटीज़ थोड़ी कम होती है, उनको फिर हम डिसेबल कंसिडर करते हैं, और फिर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन मसला ये कि हम उनको डॉक्टर को रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर जो है वो उसको ठीक करने के लिए ट्रेंड नहीं होता। आगे चलकर मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो किस तरह से पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अब नॉर्मल है या डिसेबल है लर्निंग के लिए? तो या रीडिंग करते वक्त, राइटिंग करते वक्त, रीज़न देते वक्त, लर्न करते वक्त, रिप्रोड्यूसिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज, इन सब चीज़ों को देख कर हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह से डिसेबल है। आगे कुछ एग्जांपल्स होगी तो आपको बेहतर तरह से समझ आएगा। तो पहले तो समझ ले कि क्या वजह हो सकती है डिसेबिलिटीज़ की। पहली वजह हो सकती है जेनेटिक्स। माँ बाप की तरफ से कुछ ऐसे जेनेटिक्स जीन्स आए हैं जो कम्प्लेक्स है, जो डिसेबल्ड है, जो अबनॉर्मल है। ग्रोथ में कॉम्प्लिकेशंस है, पैदा होते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चे को, या उसकी ब्रेन इंजरी हो चुकी है, या कुछ और डिसीज़ है उसको, जैसे अल्जाइमर डिसीज़ है या कुछ और डिसीज़ है जिसकी वजह से वो चीज़ों को भूल रहा है, वो अपनी मेमोरी को बढ़ा नहीं पा रहा, उसको डेवलप नहीं कर पा रहा। तो उनको किस तरह से हमें टैकल करना है ये भी आपको समझा देता हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, और डिसएबिलिटीज़ की बात करें तो हर डिसेबल बच्चा भी की रीज़न भी दूसरे बच्चे की रीज़न से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन असल वजह जो है वो यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही तरह काम नहीं कर रहा होता। अब वो क्यों ऐसे काम नहीं कर रहा होता, इसके पीछे कई मुहर्रकात हो सकते हैं। जैसे उसकी ऊपर हमने जो ए से लेकर ई तक ये सारे मुहर्रकात हो सकते हैं उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काम ना करने के पीछे। तो कुछ देख लेते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। ये तीन ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि अगर ये तीन पॉइंट्स आपको बच्चे में नज़र आ जाए तो उसमें कोई ना कोई लर्निंग डिसएबिलिटी ज़रूर होगी। पहली प्रॉब्लम होगी बैड रीडिंग हैबिट्स। अगर हज़ार दफ़ा आपने उसको समझाया है, उसको सारे हरूफ़ तहजीद सिखाए हैं, लेकिन उसको वही प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, उसको रीडिंग करते वक्त वही की वही प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको, जो 100 दफ़ा समझाने के बाद भी वही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि डिसेबिलिटी है उसमें। यानी बच्चा जो है वो कहता है मैंने रीडिंग नहीं करनी, वो रोता है, वो डरता है, रीडिंग करते वक्त रिफ्यूज़ कर देता है, तो फिर इस केस में हम आपको समझ आना चाहिए कि हो सकता है ये डिसेबिलिटी का एक हिंट हो। इसी तरह से वर्ड रिकॉग्निशन एरर भी हो सकता है, यानी बच्चा जो है वो वर्ड को पहचान ना सके। अच्छा, अभी आज उसने वर्ड को पहचान के आपको सुना दिया है, लेकिन कल वो भूल जाएगा, एक घंटे बाद वो भूल जाएगा, तो इस केस में भी आपको एक हिंट मिल जाती है अबनॉर्मिलिटी की। तीसरा केस है कंप्रीहेंशन एरर। स्टूडेंट जो है वो आंसर नहीं दे पाता क्वेश्चन का, ये एक, और ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं वो कह रहा है कंप्रीहेंशन में, यानी कहानी ऊपर लिखी हुई है उसी में से जवाब ढूंढना है, लेकिन वो नहीं ढूंढ पा रहा, ये कंप्रीहेंशन एरर है। इसमें कोई भी ऐसा पहलू नहीं है तीनों में से जो याद करने के मुतल्लिक हो। तो तीनों में अगर वो आपको नज़र आ रहा है एक बच्चा वीक है, पीछे है, स्लो कर रहा है काम, ये स्लो लर्नर की बात नहीं है। स्लो लर्नर जो होते हैं वो तो काम कर लेते हैं थोड़ा वक्त लेकर, ये वो बच्चे हैं जो काम कर ही नहीं पाते। तो इस तरह की डिसेबिलिटीज़ आपने देखी होगी, अगर तो आप एक टीचर हैं, बच्चों में ऐसे होता है। तो इसके अलावा उन्होंने चार और सिम्टम्स बताई है। एक तो अटेंशन नहीं दे रहे होते, वो आपकी तरफ हाइपर एक्टिव, टू एक्टिव होते हैं, बात करते वक्त बहुत तेज़ तेज़ हाथ हिलाएंगे, बात करेंगे, अपना सर हिलाएंगे, तो हाइपर एक्टिविटी उनमें नज़र आएगी आपको। तेज़ तेज़ चलते हो गए, तेज़ तेज़ लिखते हो गए, लेकिन ज़ाहिर है वो इम्पल्सिव हो गए, और उनकी मेमोरी जो है वो इम्पेयर्ड आपको नज़र आएगी। यानी आज उनको नज़र आज उनको आता है और कल वो उसको भूल जाएंगे।
तो कुछ बातें हम जरा समझ लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दी प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच में जो बच्चे हैं वो बात करते वक्त उनमें ग्रबल्ड आ जाती है, यानी बात करते वक्त रुक जाते हैं, तो क्लियरली वो बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से बच्चे जो है वो दोस्त नहीं बना पाते और वो अकेले रह जाते हैं, लोग उन पर हंसते हैं और फिर ज़ाहिर उनको लोनसम हो जाता है, वो अकेला रहना पसंद कर देते हैं। इस तरह के बच्चे जो है वो प्रॉब्लम्स मैथ की सॉल्व नहीं कर सकते, उनकी हैंड राइटिंग भी इलिजिबल होती है, यानी आप उनको पढ़ नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती है। क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछ सकते, तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप वो आंसर कैसे करेंगे। या कई दफ़ा टीचर भी ऐसे बच्चों से सवाल नहीं पूछते क्योंकि ऐसे बच्चे जो है वो आंसर देते वक्त बड़ा ही ज़्यादा लंबा टाइम लगाते हैं, रुक रुक कर उन्होंने बोलना होता है और इस तरह फिर क्लास में एक डिस्टर्बेंस आ जाती है। दूसरा होता है लेबलिंग। लेबलिंग ये है कि आपने बच्चे को एक लेबल दे दिया है कि तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो, अब उसमें एक सीरियस इशू आ जाएगा, ठीक है, वो बच्चा जो है उसमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, जो आपने उसको लेबल दिया है वो वैसा बनना शुरू कर देगा, जो आपने उसको कहा है वो वैसा करना शुरू कर देगा, और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में आपको नजर आएगी। तो 7-step प्लान है ऐसे बच्चों के लिए जो डिसेबल है, किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं, और ये 7 प्लान्स हैं जो आपने इन पर काम करना है। पहले उसने कहा कि स्पेशल अटेंशन एक तो आप उसको दे बच्चे को टीचर की तरफ से, ताकि वो इम्प्रूव करे अपनी मेमोरी को, और दूसरी बात है कि टीचर को उसकी तरफ फोकस देना पड़ेगा। आमतौर पर बच्चों को टीचर्स इग्नोर कर देते हैं अपना काम चलाने के लिए, लेकिन वो ये कह रहा है आपसे कि इनको स्पेशल नीड चाहिए आपकी, स्पेशल अटेंशन चाहिए आपकी, ताकि अपनी मेमोरी को और अपनी बाकी मिसाइल को इम्प्रूव कर सके। तो 7 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि आप उनको प्री रीडिंग करवाएं, यानी रीडिंग करने से पहले जो रीडिंग का थीम है वो समझाएं, फिर थीम समझाने के बाद आप उनको रीडिंग करवाएं, रीडिंग करवाने के बाद जो मेन थीम है उसको दोबारा डिस्कस करें, फिर स्टूडेंट को कहे कि वो आपको थीम बताएं, फिर उस थीम को आप अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, एग्जांपल के ज़रिए आप उनको बताएं उनकी ज़िंदगी में से, फिर आप उनको कुछ ऐसे टास्क दें जो उस थीम के ही मुतल्लिक हो, फिर आप उस थीम को रिव्यू करवाएं या बच्चों से रिव्यू करवाएं। तो ये 7 स्टेप में देखिए एक ही थीम पर बात प्री रीडिंग से शुरू हुई है और रिव्यू तक बात गई है। ये 7 स्टेप अगर मुमकिन हो गए तो वो थीम जो है वो बच्चों को कभी नहीं भूलेगी, वो सही तरह से उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। तो अभी अमेरिका में और पाकिस्तान में भी पब्लिक लॉज तो मौजूद है ऐसे बच्चों की डायग्नोसिस करने के लिए, फिर असेसमेंट उन पर की जाती है, फिर बच्चों टीचर्स को बताया जाता है कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, या ऐसे बच्चों को अलग से स्कूल बनाए दिए जाते हैं, अलग से टीचर्स होते हैं इनके लिए। लेकिन मसला ये कि हम लोग वो डॉक्टर्स को रेफ़र कर देते हैं, हालांकि ये काम जो है वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का होता है और वही सही तरह से इस काम को सॉल्व कर सकता है। अगर हम मिलकर सही तरह से काम करें तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये सारी सॉल्व हो सकती है। ये बात याद रहे कि प्रॉब्लम्स बाद में बनती है और उनके सॉल्यूशंस पहले से ही हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारी कुदरत में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछे। आप सबका अल्लाह हाफिज़ो नासिर।